चलो बच्चा एक और नया सम, मिडल टर्म स्प्लिटिंग बोलो या फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बोलो, ये दोनों पॉइंट एक ही है और हमें जो सम सॉल्व करना है थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि इस बार इसके फैक्टर जो है वो थोड़े बड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे जेड एम स्क्वायर प्लस 24m प्लस 36, तो ये हमारे इस बार का आपका जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल वो हमारा है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से लिखेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। यहाँ पे आप बोलोगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, और यहाँ पे आप बोलोगे c कांस्टेंट, अब a इंटू सी जो बोला जाएगा वो क्या होगा, वो हमें लाना है। तो हमारे हिसाब से a जो है, जो m स्क्वायर है वो हमारा है 3, और यहाँ पे है कांस्टेंट टर्म वो 36। मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इंटू 3 करोगे तो यहाँ पे 8, और ये हो जाएगा 108। तो 108 के फैक्टर निकालने हैं कि जिसमें आंसर हमारा 24 आए। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला स्टेप 108, तो 2 से स्टार्ट करते हैं 5, और आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 4। सेम वे बच्चा आगे चलते हैं तो 2 से करोगे, क्योंकि इसके 54 और 24 में बहुत डिस्टेंस है, कई बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे 2 इंटू 54 जो हमारे फैक्टर से बहुत दूर है तो हम लिखने का मतलब नहीं है, हम आगे नहीं जाएंगे, मतलब उसको सॉल्व नहीं करेंगे। 52 या 56 आ सकता है, हमारे काम का नहीं है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ करोगे 2 जा तो ये हो जाएगा 27। तो इसका देख लेते हैं क्या लिख लेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 2 जा 4 एंड 27। तो बच्चा एक में 31 आएगा और एक में से 4 निकालोगे तो 23 आएगा, लेकिन हमारा काम नहीं होगा तो हम आगे जा सकते हैं। तो अभी आप बोलोगे सर 3 से करना पड़ेगा तो 9 होगा। तो अब बच्चा ध्यान से देखते हैं कुछ काम में हो सकता है। 3 जा 6, 6 2 जा 12 इंटू 9, तो आप बोलोगे सर 12 इंटू 9 वो भी 108 होता है, लेकिन वो उसका प्लस करेंगे तो 23 होगा, हमारा काम नहीं होगा। तो आगे चलते बच्चा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर इसके बाद क्या हो सकता है, तो 3 से करेंगे तो आप बोलोगे सर अब एक और बार आ गया, तो अब ध्यान से देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ से 3 जा 9 ले लिया, 3 जा 9, 9 2 जा आप बोलोगे सर 18, 18 2 जा 18, 2 जा बच्चा 36 इंटू 3, तो बच्चा बोलेगा सर ये भी नहीं हो पाएगा। तो आगे चलते हैं 3 और ये 1 कर दिया। अब बच्चा कॉम्बिनेशन ध्यान से देखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशन है इजीली नहीं आ रहा, तो हम ध्यान से सोचते हैं जिसमें 24 आए। तो अभी पहले हमने लिया यहाँ से कुछ कॉम्बिनेशन लिया, 3 जा 9, 2 जा कितना बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 18, और बाकी के कॉम्बिनेशन में बचेगा 3 एंड 2 तो हो जाएगा 6। तो आप ध्यान से देखोगे 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 18 प्लस 6 24 भी हो जाएगा, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है प्लस की वो भी फुलफिल हो जाएगा। बच्चा आप बोलोगे सर आपको कैसे इतना इजीली समझ में आया, तो बच्चा ये प्रैक्टिस से आपको भी आ जाएगा, क्योंकि हमने मेजोरिटी सारे कॉम्बिनेशन यूज कर लिए थे, तो हमें ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें हमारा आंसर आए, तो वो ध्यान में रखना है बच्चा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3m² प्लस आप बोलोगे 18m, और यहाँ पे बोलोगे 6m प्लस 36, तो यहाँ से ये हो गया, इसमें और इसमें हम कॉमन निकालना शुरू करते हैं, तो यहाँ से कॉमन निकलेगा 3m, तो बचेगा m और यहाँ पे बचेगा 6। ये बच्चा आपको अभी ओरल भी समझ में आना चाहिए, इसमें लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो भी मैं बता देता हूँ यहाँ से हमने क्या कॉमन निकाला। तो आप बोलोगे सर 6 3 जा और यहाँ का 3, तो ये 3 और ये 3 निकल गया, तो यहाँ बचेगा क्या बच्चा, तो 6 बचेगा, और यहाँ m स्क्वायर है और यहाँ m है, तो वो हमने कॉमन निकाला, क्लियर। अब आगे चलते बच्चा, तो यहाँ से हम 6 निकालेंगे तो m प्लस 6 ये हो जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो आप बोलोगे m प्लस 6 और यहाँ पे 3m प्लस 6। तो बच्चा ये कंपैरेटिवली इतना टफ नहीं था मेरे हिसाब से, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। बच्चा प्रॉपर नोटबुक में लिखना, वो एक दूसरा पॉइंट,
और आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो बच्चा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो प्रॉपर वहां से आप देख सकते हो, पूरा प्लेलिस्ट आपके साथ आ जाएगा। मिलते बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एग्जाम के साथ।